गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड योर चैप्टर नंबर 5, व्हाट इज इट, एंड दैट इज रिलेटेड टू अ पोएम। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ रैबिट क्लोजली? आपने एक रैबिट को बहुत अच्छी तरह से क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा। डज अ रैबिट मेक एनी नॉइस? क्या रैबिट क्या कोई नॉइस करता है? रीड द पोएम टू नो मोर अबाउट अ रैबिट। इस पोएम को रीड करके हम आज रैबिट के बारे में जानेंगे। टॉल एयर्स ट्विंकली नोज। टॉल एयर्स, बड़े बड़े एयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल, एंड होप ही गोज। ट्विंकली मतलब शाइनी नोज, टाइनी छोटी सी टेल, लिटिल टेल, एंड होप, होप मतलब जैसे वन फुट पे वो जंप करके जंपिंग करता है, ही गोज वो चलता है। वॉट इज ही? कैन यू गैस? वो क्या है, क्या आप गैस कर सकते हो? आई फीड हीम कैरेट्स, मैं उसको क्या फीड में देता हूँ? कैरेट्स एंड वाटर क्रिसिस। वाटर क्रिसिस क्या होते हैं? वो प्लांट होता है जो किस में ग्रो करता है? रनिंग वाटर में, जैसे बहता हुआ पानी है, चलते हुए पानी में वो जो प्लांट होता है वो उसको वाटर क्रिस कहते हैं। हिज एयर्स आर लॉन्ग, एयर्स उसके लॉन्ग हैं, टेल इज स्मॉल, एंड ही डज नॉट मेक एनी नॉइज एट ऑल, और वो किसी भी तरह का नॉइस नहीं करता। टॉल एयर्स ट्विंकली नोज, tiny tail, and hope he goes, that is what rabbit. So I hope ये आपको poem अच्छी लगी होगी। read again and listen carefully. Thank you.